हेलो फ्रेंड, तो आपके सामने ये टेंजेंशियल मेथड जिसकी थियोरी मैंने इसके प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि जो ये टेंजेंशियल मेथड है वो तीन तरीके से किए जा सकते हैं एज पर गिवन वर्किंग कंडीशन। सिचुएशन क्या है, क्या चीज़ें फाइंड आउट करना, उसके बेसिस पे ये तीन केसेस बने हैं। तो इसमें पहले केस के बारे में बता देते हैं, फिर एक एक केस को मैं अलग अलग वीडियो में डिराइव करके बताता हूँ। जैसे पहला केस है कि बोथ एंगल्स आर एंगल ऑफ एलिवेशन, जो वर्टिकल एंगल ले रहे हैं दोनों, एक्चुअली यहाँ एंगल की जो बात कर रहे हैं ना, वो एंगल सभी एंगल, ये जितने भी एंगल की बात कर रहे हैं ये सभी के सभी एंगल कैसे हैं, वर्टिकल एंगल हैं। ध्यान देना, सभी के सभी कैसे हैं, वर्टिकल एंगल हैं, ठीक है। तो ये जितने भी वर्टिकल लिए जा रहे हैं, जैसे बोथ एंगल आर एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब जैसे कि कोई टॉप पे, जैसे कोई ऊंचाई पे आर एल फाइंड आउट करना है, किसी जगह का लेवल हाइट पता करना है, तो कितनी हाइट है वो इस केस से फाइंड आउट कर सकते हैं। या कोई खाई है, कोई डीप है जहाँ पर मुझे वहाँ का आर एल पता करना है, तो ये मेथड यूज करेंगे। और कोई जैसे कि अनड्यूलेटेड लैंड है, दिख रहा है मेरा हॉरिजॉन्टल लेवल पे भी स्टाफ की रीडिंग दिख रही है, तो उस कंडीशन में इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए उसके बारे में भी हम वन बाय वन करके बात कर लेते हैं। जैसा पहला हेडिंग हम लगा लेते हैं, इसका नाम है केस वन, बोथ एंगल्स आर एंगल ऑफ एलिवेशन। आप भी मेरे साथ हेडिंग लगा सकते हैं, बोथ एंगल्स आर एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। अब इसके बारे में मैं आपको डिराइव करके बता देता हूँ। जैसे दोनों एंगल एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो ऐसा केसेस कब बनेगा वो चीज़ें थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। सपोज डैट कि आपको इस जगह का आर एल पता हो, ये जगह है जो जिसको मैं बेंच मार्क बोल रहा हूँ, बेंच मार्क उसी को बोला जाता है जहाँ का रेडियस लेवल मीन सी लेवल से हाइट पता हो, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इस तरीके का कोई ऊंचाई पे है और यहाँ का आपको आर एल पता करना हो, इस पॉइंट का, मान लो इस पॉइंट को मैं कुछ भी नाम दे दूँ, पी रख देता हूँ, ठीक है। इस पॉइंट का आर एल आपको पता करना है, तो कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पर आपने एक काम करना है, यहाँ पर अपने इंस्ट्रूमेंट को रखना यहाँ पर, ठीक है। इसका नाम हम रख देते हैं, जैसे कि ए ए डैश रख दिया, ये इसका लेवल था। अब आपने सबसे पहले लेवलिंग स्टाफ इस पे रखना है, ठीक है। लेवलिंग स्टाफ रखा तो फिर बाद में आपको एक हाइट मिल जाएगा जिसको हम बी एस बोलते हैं। अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग इंडिकेट किया रहेगा, वो पता चल जाएगा कि बेंच मार्क पे जो रीडिंग ली गई है वो ये बी एस है, क्लियर। अब ये देखोगे कि इसका हॉरिजॉन्टल ये जो लाइन जा रही है वो ये है, हॉरिजॉन्टल लाइन ये है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। और फिर उसके बाद हम यहाँ पर लेवलिंग स्टाफ रखेंगे, एक यहाँ पर मैंने लेवलिंग स्टाफ रखा, और इसमें देखोगे दो एंगल है, वर्टिकल एंगल, दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन है, मतलब एक तो आप कहाँ रख दोगे, एक मान लो यहाँ पर रख दिए, जो हॉरिजॉन्टल एंगल के साथ कितना एंगल बना रहा था, बॉटम का लिए तो अल्फा टू, और टॉप पे ले रहे हो मान लो इस पे लिए तो इसका पूरा एंगल अल्फा वन ले लो, ठीक है। जो टॉप पे है उसका अल्फा वन, जो बॉटम पे है उसका अल्फा टू, ये तो पता भी चल जाएगा ना। जैसे कि सेम ही एंगल ले रहे हैं, टॉप पे रहेगा तो ज़्यादा एंगल रहेगा, बॉटम पे रहेगा तो कम एंगल रहेगा, तो ये भी आइडिया रहे, आपको फिगर बनाने भी आना चाहिए। और ध्यान दें कि जो बॉटम है ना, बॉटम से जो रीडिंग ली गई है उसके और ये जहाँ पे मुझे आर एल फाइंड आउट करना है उसके बीच का एंगल हमेशा आर मान लो, ठीक है, जहाँ मुझे पता करना हो, ठीक है। और इनके बीच की गैपिंग जो होती है ना, ध्यान देना, इनके बीच की जो गैपिंग होती है, दो स्टाफ पे रीडिंग ली गई उनके बीच की गैपिंग को एस लेना, जिसको स्टाफ इंटरसेप्ट भी बोलते हैं। और ये जो नीचे वाला लिया गया है इससे और ये हॉरिजेंटल के बीच की गैपिंग को हम क्या मान लेंगे, वी मान लेंगे, ठीक है। अब इसका भी नामकरण कर दो, ये जैसे ए डैश था, ठीक है, इसका पी था तो इसको मैं यहाँ पे पी डैश ले लेते हैं, इसको मैं मान लेता हूँ बी और इसको मैं मान लेता हूँ सी, ठीक है, क्लियर। इंडिकेशन हो गया, सब कुछ इंडिकेशन हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर यहाँ का आर एल पता करना हो तो आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगी। देखिए यहाँ का मुझे पहले से पता है, यहाँ पता करना है, फाइंड आउट करना है, यहाँ का पता है। जैसे मान लो कहीं का भी पता करना है मुझे, ये इस पॉइंट का आर एल पता करना है, ठीक है, तो मैं लिखूंगा आर एल ऑफ पी, आर
आरएल ऑफ पी पता करना है, तो सबसे पहले यहाँ का बेंचमार्क आरएल ऑफ बेंचमार्क जो दिया है प्लस ये बीएस भी, तो यहाँ का रीडिंग नोट डाउन की होगी तो ये बीएस ये भी पता ही होगा प्लस इस लेवल पे आ गया ना, देखो यहां से इस लेवल पे आए और इस लेवल में ये वी ऐड कर दोगे तो इस लेवल पे आ जाओगे, तो प्लस वी और इस लेवल में ये आर माइनस कर दोगे ये आर तो ये यहां पे आ जाओगे कि नहीं, तो माइनस आर। अब इस वाले इक्वेशन में थोड़ा सा ध्यान दोगे क्या चीजें हैं जो अननोन है, वी नहीं पता है, वी जो अगर मैं बात करूं ये जो वी है ये हमें नहीं पता, तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा पता करना पड़ेगा, ठीक है। और साथ साथ में क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ये जो स्टाफ है और ये जो इंस्ट्रूमेंट स्टेशन है इसके बीच का हॉरिजेंटल डिस्टेंस कितना है, हॉरिजेंटल डिस्टेंस ये डी कितना है ये भी पूछ सकता है, ठीक है। तो मैं डिराइव करता हूँ, सबसे पहले देखो ध्यान दो कि मैं ये वाला ले लेता हूँ, देखिए सी ए डैश पी डैश ये ट्राइंगल लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल है ए डैश पी डैश सी इन ट्राइंगल ए डैश पी डैश सी, ए डैश पी डैश सी लोगे तो अगर टेन अल्फा वन, देखो पूरा एंगल अल्फा वन है तो टेन अल्फा वन इक्वल टू क्या होगा अपोजिट अपन एडजेसेंट होता है, अपोजिट तुम्हारा ये कितना है देखो वी प्लस एस जितना है कि नहीं, पूरा यहां से यहां तक वी प्लस एस जितना है, तो आप लिखोगे यहां पे मैं लिखते जा रहा हूं टेन अल्फा वन इक्वल टू अब वर्टिकल में वी प्लस एस है और एडजेसेंट में क्या है डी है, अगर मैं वी प्लस एस इधर रहने दो ये डी डिवाइड है इस तरफ जाएगा तो मल्टीपल हो जाएगा, तो वी प्लस एस इक्वल टू ये इसके साथ मल्टीपल होगा तो डी टेन अल्फा वन हो जाएगा, इसको मैं इक्वेशन वन मान लिया, क्लियर। नेक्स्ट दूसरा ट्राइंगल ले रहा हूं जो अल्फा टू का एंगल है, ये अल्फा टू का एंगल कहां से कहता है ये वाला है ये ए डैश पी डैश बी ए डैश पी डैश बी है, तो मैं वो ट्राइंगल ले लेता हूँ इन ट्राइंगल ए डैश पी डैश पी उसमें टेन अल्फा टू क्या आएगा तो वर्टिकल अपोजिट देखो कितना आ रहा है इतना ही आ रहा है वी जितना और एडजेसेंट डी आएगा तो वी अपॉन डी हो गया। अब ये डी जो डिवाइड में इधर मल्टीपल होगा तो वी इक्वल टू क्या आ जाएगा डी टेन अल्फा टू, ये मेरा इक्वेशन नंबर टू हो गया। अभी इक्वेशन वन और इक्वेशन टू में देखोगे कि अगर मैं इस वाले में से वन में से ये टू को मैं अगर माइनस करूं तो लेफ्ट में देखोगे तो वी और वी कट गया सिर्फ एस बचा और राइट में देखोगे डी टेन अल्फा वन माइनस डी टेन अल्फा टू आएगा, तो मैं वही कर रहा हूं क्या करूंगा सब्ट्रैक्शन इक्वेशन वन एंड टू, वन एंड टू में सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो इसमें से इसको माइनस किए तो सिर्फ एस बचा, देखो वी प्लस एस है और माइनस बी करेंगे तो ये वी भी कट जाएगा एस बच जाएगा, यहाँ पे डी टेन अल्फा वन माइनस डी टेन अल्फा टू होगा डी टेन अल्फा वन माइनस डी टेन अल्फा टू, तो इसमें से अगर डी कॉमन करता हूँ तो क्या बचेगा टेन अल्फा वन माइनस टेन अल्फा टू और यहाँ पे एस है, तो इस कंडीशन में थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको अगर डी अगर मल्टीपल है तो ये पूरा एस से डिवाइड होगा तो डी इक्वल टू क्या आ जाएगा डी इक्वल टू आ जाएगा एस अपॉन टेन अल्फा वन माइनस टेन अल्फा टू। ये फॉर्मूला याद नहीं करना है, कॉन्सेप्ट याद रखना है, फॉर्मूला गलत हो जाएगा, फॉर्मूला सिर्फ याद करोगे तो गलत हो जाएगा, कॉन्सेप्ट जैसे सॉल्व किया है उस तरीके से सॉल्व करके फॉर्मूला लाते हैं, ठीक है ये समझ में आ गया। अब मुझे V चाहिए, D मिल गया तो V चाहिए, तो मैं इक्वेशन नंबर टू में सब्स्टिट्यूट अगर कर दिया तो V इक्वल टू D की जगह पे ये पूरा रख दो तो क्या मिल जाएगा V इक्वल टू D की जगह मैंने रख दिया S अपॉन टेन अल्फा वन माइनस टेन अल्फा टू और इसका मल्टीप्लीकेशन D का किससे है टेन अल्फा टू, तो यहाँ पर टेन अल्फा टू का मल्टीप्लीकेशन कर दिया तो मुझे V मिल गया। इसमें S भी पता है, देखो S इसके बीच की गैपिंग, S जो है इसके बीच की गैपिंग, ठीक है, और अल्फा वन अल्फा टू आपने रीडिंग नोट डाउन ही किया है, इसमें अगर पुट करोगे तो V मिल जाएगा, V की वैल्यू इसमें पुट कर दोगे
तो ये सारा आरएल ऑफ पी मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये डेरिवेशंस हैं, इसको आपने इसी तरीके से करना है। सेम इसी तरीके से बोथ एंगल ऑफ एंगल आर डिप्रेशन का भी है, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू।